दोस्तों YouTube में ये सर्च कीजिएगा नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी मेरा वीडियो देखें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, जो कि आपको समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज आपको हम एक ट्रांसफार्मर डेटा बताएंगे जो कि इसकी इनपुट वोल्टेज है 0 से 440 वोल्ट हम लोग यहां पे इनपुट करेंगे और इसकी आउटपुट रहेगी आपको 0 से 24 वोल्ट यानी 24 वोल्ट हम लोग आउटपुट लेंगे, जो कि इसकी आउटपुट एम्पियर रहेगी 1.5 एम्पियर यानी कि 1.5 एम्पियर में हम लोग का आउटपुट इसको लेना है। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यह है इसकी ट्रांसफार्मर की डेटा जो कि हम लोग इसमें इनपुट करेंगे। दोस्तों इसमें 0 वोल्ट से लेके हम लोग जो इनपुट करेंगे 440 वोल्ट तक हम लोग इसमें इनपुट करना है, ठीक है, इस ट्रांसफार्मर में। और जो कि आउटपुट आपको 24 वोल्ट मिल जाएंगे, 0 24 इसमें आउटपुट मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसमें दो सेक्शन है, एक प्राइमरी सेक्शन है और है एक सेकेंडरी सेक्शन। तो प्राइमरी में दोस्तों हम लोग जो टर्न्स लेपटेंगे वो 0 वोल्ट के लिए 0 टर्न्स रहेगा और उसके बाद में यहाँ पर वाइंडिंग करते हुए जाएंगे और यहाँ पे एक लूप निकलेगा पहला जो कि 380 वोल्ट के लिए रहेगा और ये टर्न्स रहेगा 2110 टर्न यहाँ पर रहेंगे, ठीक है, 2110 टर्न्स हम लोग को लपेटना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से हम लोग मीटर को जीरो नहीं करना है, ठीक है, यहाँ से मीटर को जीरो नहीं करना है। और फिर यहाँ हम लोग वाइंडिंग करेंगे 415 वोल्ट के लिए, 415 वोल्ट के लिए यहाँ पे हम लोग जो वाइंडिंग करेंगे यहाँ पे करेंगे 2307 टर्न्स यानी कि 2307 आपको ट्रांस लेपेटने हैं 415 वोल्ट के लिए। और दोस्तों यहाँ पे मीटर का जीरो नहीं करना है दोस्तों, ये टोटल आपको जो है यहाँ तक ट्रांस है इसका, ठीक है। और उसके बाद 440 वोल्ट के लिए यहाँ पर रहेगा 2446 टर्न यानी 446 टर्न आपको लेपेटना है। यहाँ पे जो ट्रांस रहेंगे टोटल आपका रहेगा 0 वोल्ट वाली बात है। जब भी आप वाइंडिंग करेंगे तो इसको मीटर को जीरो नहीं करना है वाइंडिंग मशीन को, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं सेकेंडरी की तरफ। सेकेंडरी की तरफ दोस्तों देख सकते हैं 24 वोल्ट के लिए हम लोग 134 टर्न यहाँ पे लेपटेंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे 0 वोल्ट के लिए 0 टर्न्स रहेगा, वाइंडिंग करते हुए 24 वोल्ट के लिए 134 टर्न लेपटेंगे, जो कि ये वायर रहेगा 23SWG। यहाँ पे जो वायर रहेगा 23SWG रहेगा और प्राइमरी में जो रहेगा 32SWG रहेगा, सेकेंडरी में 23SWG रहेगा। अब दोस्तों इसका जो कोर हम लोग यूज करेंगे कोर रहेगा 33 नंबर का, देख सकते हैं 33 नंबर का यहाँ पे कोर रहेगा और बोबिन की जो साइज रहेगी वो रहेगा 1.25 इंच यानी कि नंबर ऑफ जो कोर होता है उसकी जो चौड़ाई रहेगी ये वाली पोर्शन वो रहेगा आपका 1.25 इंच, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से बनाना है। प्राइमरी में आपको जो है 160 आपको ग्राम वायर लग जाएंगे 60 ग्राम और सेकेंडरी में आपको 165 ग्राम यहाँ पे वायर लग जाएंगे। तो इसी तरह आपको जो है वाइंडिंग करके बनाना है, जो कि ये मेनली आप लोग यूज़ करते हैं इसको कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए, फैक्ट्री की जो मशीनें होती है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए इस ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है। दोस्तों जब भी इसको बनाएंगे आप कॉपर से बनाइएगा, क्योंकि ये आपका जो है कॉन्ट्रैक्टर को 24 घंटे ऑन करके रखना होता है। तो प्राइमरी में आपको जो वायर लेनी है पतली और सेकेंडरी में आपकी मोटी वायर रहेगी, तो उसी से आपको बनाना है। फ्रेंड इस ट्रांसफार्मर को हम लोग चेक करने के लिए हम लोग को 440 वोल्ट इनपुट करना पड़ता है। तो 440 वोल्ट अगर उपलब्ध नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप 24 वोल्ट देकर आप चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 24 वोल्ट कौन सा देना है आपको, डीसी नहीं देनी है, इसमें एसी ही देनी है। तो 24 वोल्ट एसी वोल्ट कहाँ से आएगा, आपको जो है बेरेक से आप इनपुट कर सकते हैं और बेरेक से आपको जो है सेट करना है 24 वोल्ट। 24 वोल्ट आप इनपुट करके आउटपुट वाले सेक्शन में देंगे, आप इनपुट करेंगे तो आउटपुट में आपको 440 वोल्ट 380 वोल्ट और 415 वोल्ट आपको मिल जाएंगे। उसी तरह आप चेक कर सकते हैं इसको।
दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।